हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह ने अज गुरदासपुर के इतिहासिक कस्बा डेरा बाबा नानक तो हज़ारा समर्थकों और सैकड़े गड्डियों का फैसला काफिला लैके कुंडली बार्डर लिए रवाना हो। इस मौका जिला गुरदासपुर के नौजवान और किसानों वालों अपने वाहन लैके गुरनाम सिंह का साथ देंदे हुए दिल्ली लिए रवाना हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि वक्खो वक्ख थावां तो काफिले ले जाण का मकसद यह है कि केंद्र की सरकार को यह दसना कि किसान अंदोलन में कोई कमी नहीं आई और ना ही किसानों का जोश घटिया है। जो कल पंजाब के भाजपा के सबका मंत्री 6 साल लिए पार्टी में बाहर कटिया है, इतों साफ जाहिर होता है कि यह तानाशाही है। बटाला तो नितिन लूथरा और सलामतारी की खास रिपोर्ट। रणधीर सिंह घुम्मण जी, जनरल सकत्तर माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी गुरदासपुर। अज जो संघर्ष किया जा रहा जो हज़ार की गिनती जो काफले खड़ रहे हैं इतों, अज पहला तो यह बिल्कुल हिंदुस्तान के बार्डर के उपर आप खड़े हाँ, जिते डेरा बाबा नानक तो 1 किलोमीटर पाकिस्तान की हद शुरू हो जाती है। उत्थों एक 25,000 बंदे का जत्था घट्टो घट्ट, क्योंकि 5,000 गड्डी जी अजकार इतों गुरदासपुर जिले में जाऊगी, जिद जो 5 बंदे हो तो 25,000 बंदा जरा कल गुरदासपुर जिले चो अज दिल्ली वालू रवाना होगा। जी मोदी सरकार कहती है भी इतने किसान नहीं, इतने माओवादी बैठे आ, इतने कामरेड बैठे आ, उन्होंने देखो अज झाती मारो 25,000 माओवादी जी एक जिले चो हो गया तो फिर माओवादी संभव कि असल में सारा ला रहे जोर भी मतलब अंदोलन बदनाम किया जाए। असल में जी कहानी है वो किसानों की लड़ाई है तो किसानों के नाल ही जानी है। असी इतने अडानी ग्रुप का जिहड़ा सीना रेल वाला विखे एक सैलो प्लांट लग रहा है, पिछले 7 महीने तो बंद किया हो, किसी की जरूरत नहीं कि भी उत्थे आन के एक किट भी ला जाए। इस तरह जो सरकार के जोर नाल जिहड़ा है कोई काम नहीं करता जाऊगा। ये जिहड़ा अंदोलन है सिखर पर पहुँच चुके हुण, सरकार अंदरों डरी है, बाहरों अपना भांडा कायम रखना चाहती है, पर जो गुब्बारा ज़्यादा भरता है उस वेले फुट जाता। इस तरह ही BJP की बहुत वड्डी हवा भर गई थी कि गुब्बारे के हुण BJP मुक्त भारत वाल जा रही है। देखो असी अनिल जोशी जो कढ़िया आ, असं समझते भी अनिल जोशी ने बहादुरी दिखाई आ, कोई गल नहीं कि मंत्रियां आते रहेंगे MLA बनते रहेंगे, BJP ने अपनी सोड़ी सोच का जोड़ा प्रगटावा किया। अनिल जोशी ने कहा कि पंजाब के किसानों की गल सुनो, जिते पंजाब के मुक्त भारत हो BJP मुक्त हो जूगा। अश्विनी शर्मा ने बहुत वड्डी गलती की है ये गल करके, क्योंकि जोड़ा अपने जोशी साहब ने यह गल कही थी कि किसानों की गल सुनी जाए, उन्हें कोई माड़ी गल नहीं की। इस करके अश्विनी शर्मा ने इन्नी गल सुनने तैयार नहीं जोड़ा BJP के बोलता है भी जोड़ा किसानों की गल सुनो। ये हूँ मैं दसिया तुम पहले ही कि BJP का जोड़ा गुब्बारा है पूरा फुल चुका है, पूरा जना भरना ही भर चुका है, हूँ किसी वेले भी वो फाट के तो जोड़ा है BJP मुक्त भारत होगा। गुरप्रीत सिंह छीना, प्रधान माझा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। ये काफिला जो चरूनी साहब की अगवाई जा रहा, तुसी वेख ही सकते जी जिहड़ा साढ़े माझे नूं जां साढ़े गुरदासपुर नूं आंदे उत्साह नहीं, पर हज़ारां दी गड्डियां काफले दे विच शामिल होणगियां, तो जिहड़े सुते भी पए कुछ परसेंट लोग आ वह भी जग जाणगे, तो जिहड़ा साडा संघर्ष दिल्ली चल रहा वो उपरले सिखरां ते जाऊगा। 1-2 महीने दे विच सानू आस आ कि मोदी सरकार ये जिहड़े कानून काले आ ये वापस लऊगी। लोग जाग चुके आ महंगाई के खिलाफ, इहदियां नीतियां खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तो असी हुण संघर्ष नूं सिखरले जो पहले दिन उत्साह सी वो भरन लई अज हज़ारां गड्डियां दा काफला जिहड़ा डेरा बाबा नानक तो वाया गुरदासपुर मकेरियां जलंधर हो के कल नूं शाम नूं सिंघू बार्डर पहुँचूगा जी। जिहड़ी नवीं केंद्र दी कैबिनेट आ उहने ते फिर क्लीयर करता कि इह कानून रद्द नहीं होणे। वेखो असी एक स्टैप जिहड़ा APMC एक्ट सी उह सरकार जिहड़ी सी उह बंद, उहने कहता सी मंडियां बंद कर देणियां, पर उहने यू टर्न लै के परसों कैबिनेट ने फैसला किया 1,000 करोड़ का जिहड़ा फंड उह किया मंडियां नूं मजबूत करन वास्ते। ये स्टैप बाय स्टैप ये सारे वापस होने आ, पर वो जी फोकी आकड़ आ जी भी असी ये झुक नहीं सकते, साढ़े को जो मर्जी करा लो, असी 90-95% लड़ाई जित चुके हैं, 5% रह गई आ, हुण लोगों का जो उत्साह बनया वा ये 5% भी 1-2 महीने के कवर हो जूगा जी। सब चुड़ी साहब अज डेरा बाबा नानक तो काफिला लैके जा रहे हो, इस संबंध पहला जानकारी दे दो। पिछले 26 नवंबर तो अंदोलन चल रहा है दिल्ली दे विच, ते
सरकार ने अज तक सुनी नहीं है। तो उस अंदोलन को अगे वधाते हुए असी जगह जगह तो काफले लैके एक प्रदर्शन भी हो जाता है तो एक सरकार नू ए मैसेज भी जाता है कि किसान जड़े ने उन्हां च जोश घट नहीं होया। हुण तुसी देखो कि आपां पाकिस्तान के बॉर्डर ते है डेरा बाबा नानक, इत्थों लैके ते दिल्ली तक हज़ारां गड्डियां दा काफला जड़ा है वह जाना है तो लोगों के अंदर जोश है तो एक जज्बा है अपने हकों लई लड़न दा ते अपने जड़ा है अपने देश नू बचाउण दा। मैं तो यह कहना एक धर्म युद्ध है क्योंकि ये जिहड़े कानून बनाए ने इन्हां दे नाल एग्रो बिजनेस कारपोरेट कोल जा रहा है तो वह सस्ता खरीदणगे तो महंगा बेचणगे तो देश के गरीब लोग जिहड़े ने वो लैके उन्हां तों लैके नहीं खा सकते। उत्ते 25 रुपये का सेब खरीद रहे हैं 250 का बेच रहे हैं तो ये हालत होएगी। तो इस धर्म युद्ध के जिहड़ा वो देश की सारी जनता सहयोग कर रही है तो पंजाब के भरा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। तो अज उस कड़ी के बटाले तो जिहड़ा है डेरा बाबा नानक तो लैके दिल्ली कुंडली बॉर्डर तक यात्रा जाए। नवी केंद्र की सरकार ने अपनी कैबिनेट बना ली है वो क्लीयर तौर पर उन्होंने कहता भी कानून रद्द नहीं होने। देखो इत्थे जिहड़ा है वो मैं तो कई बार ये कहना कि बीजेपी का ना है पर जिहड़ा राज है वह कारपोरेट का है तो ये कारपोरेट नाराज नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े तोड़िया तो पता नहीं सरकार टुटेगी कि नहीं टुटेगी पर कारपोरेट जिदन कहे उदन तोड़ सकते हैं इस सरकार ने। इस करके इन्हों जनता नालों कारपोरेट नाल ज़्यादा लगाव है तो कानून जड़े ने वो खेती कानून नहीं है खेती बिजनेस कानून है तो सरेआम जड़ा उन्हां ते नज़र आ रहा है भी देश का जड़ा कई लख करोड़ का कारोबार है वह कारपोरेट के हवाले इन्होंने करना है तो उन्हां दी चापलूसी दे विच कह लो या उन्हां दे निर्देशानुसार कारपोरेट के निर्देशानुसार इहो जी गल्लां करदे ने। सर अनिल जोशी जिहड़े साबका मंत्री ने भाजपा दे वो किसानां दे हक च बोले उन्हां नूं पार्टी चो कल 6 साल ही बाहर कढ दित्ता। वो कहिंदे जी मैनूं किसानां दे हक च बोलण दा इनाम मिलिया मैनूं इस चीज़ का कोई दुख नहीं है तुसीं ये बाहर कढण नूं किस तरह देखते हो? खाली भाजपा दे लीडर दी इक दा सवाल नहीं है जिहड़ा कलाकार है गाने वाला उन्हें जो गाना बनाया किसानां ते उन्हूं उत्तम कदम दर्ज करता जे किसी पत्रकार ने दो कदम अगे होकर लिखे हो पत्रकार ते मुकदम दर्ज करता जे किसी नौकरी वाला बोलिया उन्हूं बाहर करता जे कोई होर बोलिया कोई व्यापारी बोलिया तो रेड कराती। ये सारे काम बीजेपी के जेडे ये हथकंडे है सारे काम कर रहे ने पर विनाश काले विपरीत बुद्धि या ये कह लो कि खुदा ते खुदी दा बैर चल रहा है तो इहदा रिजल्ट जिहड़ा है वह कदे चंगा नहीं होया। तुसीं गल कीती सी सियासी पार्टी बनाउण दी 22 दी इलैक्शन दी शुरुआत जिहड़ी है वह पंजाब तो करोगे कि हरियाणे तो करोगे किस तरीके दी पार्टी होएगी? नहीं जो कोई मेरा फैसला नहीं है वह तो मेरी एक राय है कि आपां जिवें अंदोलन का टाइम है आपां कर रहे हैं मिशन उत्तर प्रदेश। मिशन उत्तर प्रदेश का मतलब है वह बीजेपी नूं हरावांगे। बीजेपी 2002 चोणां उत्थे पंजाब च भी 2022 मतलब 8 महीने बाद यूपी च भी हैं उत्तराखंड च भी हैं तो पंजाब च भी हैं हरियाणे च लेट है तो मिशन उत्तर प्रदेश चलाया कि भी इन्हां चोणां दे विच बीजेपी नूं हरावांगे। चलो हराती फिर जिहड़ा अगला बनेगा कि वह तुहाडी गल मन्नेगा कि तुसीं पश्चिमी बंगाल दे विच बीजेपी नूं हराया कि बीजेपी ने गल मन ली? मतलब ये तो हुंदा है भी असी उस तो दुखी हाँ उन्हों रगड़ांगे पक्का रगड़ांगे उस तो साडा कोई इनकार नहीं है यूपी जाएंगे हरावांगे पर उहदे नाल साडी गल नहीं मन्नी जाणी। जे आपां उदाहरण दे रहे हैं हरियाणे के 1992 च मैं अंदोलन दे विच आया सी 93 दे विच जिहड़ा है भजन लाल नाल टकराव होए गोली चली कई बंदे मरे 3-4 जगह पर मरे भजन लाल की सरकार बदली बंसी लाल दी ले आए बंसी लाल ने भी 5 बंदे मारे फिर बंसी लाल की सरकार बदली चटाले दी ले आए 7 चटाले ने मारे असी किधर गए गल कित्थे मनी गई? खाली बिजली बिलों ते साडे 32 बंदे मर गए गल तो साडी फिर भी नहीं मनी गई। बई असी ये कह रहे हैं भी अपनी सोच बदलो नीति बदलो। तुसी सरकार तुहाडी 65% वोट तो किसानां मजदूरां दी है शहर वाले कह रहे ने असी तुहाडे नालों भी ज़्यादा दुखी हाँ साडा व्यापार तो सारा खा गया ऑनलाइन बिजनेस वो साडा सारा व्यापार खा गया। तो
तो सारे दुखी हो पर तुसी सारे एक पासे हो जाना। इस साल के 97% लोगों की आमदन घटी है, 3% लोगों की आमदन वधी है, तो आप फिर 3% राज दईए खो लो उन्होंने उन्होंने राज खो लो चंगे बंदे अगे कढ़ो। तुसी पंजाब सब तो पहला पंजाब दे विच मॉडल तैयार करो भी इस तरह का राज होना चाहिए। आप करके दिखाता जे आप करके दिखाता तो कल दूजे स्टेटा वाले भी कहेंगे हाँ जी उही मॉडल तो ठीक है, पहला मॉडल तो फेल हो गया। राज्यपाल जी की गल तो अनॉइड नज़र आ रही है कि सियासी पार्टी नहीं बननी चाहिए। देखो वो तो आप अपनी समझ है, मैं कोई किसी का थोप थोड़ा ही रहा। एक तो मैं भी चार रखे है भी सारे पंजाब के बुद्धिजीवी संघर्षी सारे जे इकट्ठे हो के जे ये कम कर क्योंकि राज तो ही सारा कुछ चलता है, राज तो ही सारा कुछ चलता है, राज बिना ना धर्म चले है गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कहता। जे आप सर छोटू राम वेखिए जे आप कांसी राम वेखिए राज दे विच रहे ने तो कुछ बदलाव कर पाए ने।